उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सोमवार को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है और आज के दिन हमें यह बताते हुए गौरव का बोध हो रहा है कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बन रहा है। आज देश के किसी भी हिस्से में उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जाता है तो प्रदेश की छवि के बारे में लोगों का सकारात्मक भाव पाकर वह आत्मविश्वास और स्वाभिमान से भर जाता है और उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा, भारत भर में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 50 योजनाओं में यूपी नंबर वन है। हम सब जानते हैं कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था। जब हम प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे तो लोग हमें एक अलग ही भाव से देखते थे, जिसे लेकर हमें भी आत्मग्लानि महसूस होती थी। और 2017 में जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, तब से माहौल भी बदला है और लोगों का उत्तर प्रदेश को लेकर मन भी बदला है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बात करते हैं, वह कौन सा परिवर्तन लाना चाहते हैं और वह उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले का दंगा प्रदेश, माफिया प्रदेश, हत्या प्रदेश और भ्रष्टाचार युक्त उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर मैदान में फिर से आए हैं। आप उत्तर प्रदेश की अस्मिता पर कब तक कुठारघात करते रहेंगे और कब तक उत्तर प्रदेश के लोगों की आत्मसम्मान को चोट पहुँचाएंगे, उनके स्वाभिमान को तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास के एक्सप्रेसवे पर तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे पर गुंडा राज, दंगा राज, माफिया राज, भ्रष्टाचार राज का ब्रेकर लगाना चाह रहे हैं। अब व्हाट्सएप पर लिस्ट जारी हो रही है, चोरी चोरी चुपके चुपके उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाहते हैं। दरअसल यह समाजवादी पार्टी के गुमनाम उम्मीदवार नहीं बल्कि बदनाम उम्मीदवार हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर वार करने की नीयत से मैदान में उतारे गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज एक ऐतिहासिक दिन है जब उत्तर प्रदेश के नाम से अपने उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई और ये पूरे मैं गौरव के साथ कह रहा हूँ कि हमारे ही लिए नहीं, पूरे प्रदेश के हमारे जन जन के लिए ये गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत धूमधाम के साथ मनाना शुरू किया और आज वो सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का मान और सम्मान, गौरव पूरे प्रदेश के भीतर बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश के भीतर एक परिवर्तन, बदलाव मैं अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये एक समय उत्तर प्रदेश की स्थिति थी कि उत्तर प्रदेश गुंडा राज के नाते, अपराधियों के नाते और दंगा के प्रदेश के रूप में जाना जाता था। आज उसके ऊपर नियंत्रण हुआ है, माफियाओं के ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं, गुंडा राज के ऊपर कानून कार्रवाई हुई है और आज उन गुंडों से उत्तर प्रदेश की को मुक्ति मिली है, दंगाइयों से उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिली है और यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का यह बहुत बड़ी सफलता है, जिसके भीतर उत्तर प्रदेश दंगा से मुक्त हुआ। राज्य के भीतर पिछले 4.5 वर्षों के भीतर किसी की कहीं पर साहस नहीं हुआ कि वो दंगा कर सके, क्योंकि दंगाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने ये कार्रवाइयाँ की। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश भर की योजनाएं चलाई गई, उसमें से 50 से ज़्यादा योजनाओं में आज उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान के ऊपर है। चाहे वो सौभाग्य योजना हो, चाहे हमारे जो है वो उज्ज्वला योजना के भीतर हो, या साथ में जो है वो बड़े पैमाने पर इज्जत घर का निर्माण और इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के भीतर उन गरीब लोगों को, जिनको कोई पूछता नहीं था, 47 लाख से ज़्यादा लोगों के आवास शहर और
ग्रामीण क्षेत्र के भीतर बनाए गए। और इसी तरीके से लगातार विभिन्न योजनाओं के भीतर, चाहे वो मातृवंदना योजना है या हमारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उन कन्या गरीब कल बच्चियों का विवाह जिनका होना कठिन था, आज बड़ी 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 तादाद में लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा हमारे उन बच्चियों का इलाज हुआ। प्रदेश के भीतर चतुर्दिक विकास के कार्यक्रम हुए हैं जिसके माध्यम से आज हमारा जो है वो विकास को तेज गति मिली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के योजना के भीतर उत्तर प्रदेश के 2,55,00,000 से ज़्यादा लोगों को लगभग 45,000 करोड़ रुपए के करीब की धनराशि उनके खातों में अब तक पहुंची है। इसी तरीके से किसानों के खरीद के दृष्टि से भी राज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने समाजवादी पार्टी की सरकार में के तुलना में 2.5 गुना से ज़्यादा खरीद किया और अब तक 90,000 करोड़ रुपए से ऊपर धान और गेहूं के कीमतों के रूप में किसान भाइयों को भुगतान कर चुकी है। जबकि समाजवादी पार्टी के ज़माने में कुल मिलाकर के 29 लाख किसानों से भी कम की खरीदारी हुई थी और उनके ज़माने में बहुत भुगतान भी लगभग 28,000 करोड़ रुपए के करीब हुआ था। तो इस तरीके से जो योजनाओं का लाभ पहुंचा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि राज्य के भीतर 2-2 एम्स और हमारे जो है वो लगभग 8 के करीब विश्वविद्यालय, 61-62 के करीब जो 61 के करीब जो है हमारे मेडिकल कॉलेज और इसी तरीके से गोरखपुर के भीतर भी एम्स और साथ में जो है वो हमारा जो फर्टिलाइजर के कारखाने बंद थे उन फर्टिलाइजर के कारखानों को चलाए जाने की व्यवस्था किया गया। इसी तरीके से हम देखेंगे कि प्रदेश के भीतर गन्ना किसानों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बार 10 रुपये और अब की बार 25 रुपये और 325 रुपये से बढ़ा करके 350 रुपये कुंटल उसकी कीमत को किया है और राज्य के भीतर लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान इस अवधि के भीतर पूरा किया जा चुका है। जबकि समाजवादी पार्टी के ज़माने में मात्र 95,000 करोड़ रुपए का किसानों का भुगतान था, लगभग 3 साल से 4 साल तक के बकाए रहते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस बात का प्रयास किया कि हम उनके भुगतान को जो है सही तरीके से कराएं 20 से, और उसका परिणाम ये रहा है कि 95,000 करोड़ रुपए के जगह पर अब की इस अब तक लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का भुगतान किया जा चुका है। तो जो राज्य हत्याओं के नाम से जाना जाता था, जो लूट के नाम से जाना जाता था, जो अपराधियों के नाम से जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश का वो बदलाव हुआ है और हमारे प्रदेश का जब नागरिक दूसरे राज्यों के भीतर भी जाता है तो उसका मान सम्मान उतनी बड़ी तादाद में आज उनको वहाँ पर यथोचित सम्मान मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को एक देश के भीतर जो जो हमारे राज्य हैं उनके भीतर प्रदेश को एक, अब हमारा जो यहाँ से नागरिक जाता है प्रवासी के पहुँचता है या हमारे प्रदेश के लोग वहाँ पर कहीं जाते हैं तो उनको अब सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है। एक समय था जब हेय दृष्टि से देखा जाता था, आज वो हेय दृष्टि से बदल गई है और उत्तर प्रदेश के बारे में देश भर का और दुनिया का दृष्टिकोण बदला है, जिसकी वजह से आज प्रदेश के भीतर पूंजी निवेश भी बड़ी संख्या में हुआ। हमारी डिफेंस कॉरिडोर से लेकर के गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और इन सारे माध्यमों से लोग एक तो विकास को तेज गति मिली है और साथ साथ में जो है उनको बेहतर रोजगार के अवसर मिले हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर प्रतिभा का सम्मान करते हुए और लगभग 4.5 लाख लोगों से ऊपर को सरकारी नौकरियां प्रदान किया गया। पुलिस के भीतर जो इसी ही राज्य के भीतर
एक समय था जब पुलिस की भर्ती के लिए नीलामी बच्चों को उनको नीलामी बोली लगा करती थी कि कितनी बोली में, और वो बोली जाती थी 15 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए तक। आज उसके भीतर बदलाव हुआ, आज जो बच्चों की नियुक्तियां पुलिस के भीतर हुई हैं या बेसिक शिक्षा के भीतर हुई हैं या शिक्षा विभाग के भीतर हुई हैं या स्वास्थ्य विभाग के भीतर हुई हैं, आज बहुत ईमानदारी से प्रतिभा का सम्मान करते हुए और उनकी नियुक्तियाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के जमाने में दी गई। तो इस तरीके से समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए, खासतौर पर गरीब तबके के उत्थान के लिए, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई, चाहे वो आज मुफ्त राशन की योजना है गरीब कल्याण योजना के भीतर, तो उत्तर प्रदेश के भीतर लगभग 15 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, और डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्य के भीतर एक बार केंद्र का राशन उनको मिल रहा है और दूसरी बार राज्य का राशन उनको मुफ्त मिल रहा है। तो इस प्रकार से गरीबों का यदि चिंता किसी ने किया है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने किया। तो इस तरीके से समाज के सभी क्षेत्रों के भीतर महिलाओं के सम्मान के दृष्टि से भी देखते हुए और उनको विभिन्न जो योजनाएँ हैं आज माता के गर्भ से लेकर के और उनके विवाह तक की व्यवस्था जो है वो की जाई जा रही है। तो यह एक जो विशेष रूप से जो ये प्रयास हुए हैं उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश के भीतर एक बदलाव परिवर्तन अनुभव हो रहा है और लोगों आज हमारे लोगों को इस बात को गरीबों को एक बार इस बात का भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ही प्रयासों से ये चीज संभव हो सकी है। तो उसका एक व्यापक असर आम जनता के भीतर है और वह जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है और उसका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ऐसी स्थिति में आज फिर 2022 के विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसका पूरा जनता के भीतर जो आम जनता है उसकी अवधारणा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बनी है कि यही हमारे कल्याण के लिए, गांव के गरीब के लिए, गांव के विकास के लिए या प्रदेश के भीतर कानून व्यवस्था जान है तो जहान है, जीवन को सुरक्षित करने की दृष्टि से, तो यह एक विशेष जो प्रयास हुए हैं उनका परिणाम राज्य के भीतर तेज गति से बढ़ रहा है और आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तो इन योजनाओं के माध्यम से हमारे विकास को गति भी प्राप्त हुई है, औद्योगिक निवेश भी उत्तर प्रदेश के भीतर बढ़ा है। आज हवाई कनेक्टिविटी बढ़ी है, जहां सिर्फ उत्तर प्रदेश के भीतर 3 हवाई अड्डे सिविल के लिए चलते थे, आज 7 से ज़्यादा पर संचालन उसका हो चुका है। तो इसी तरीके से रेल कनेक्टिविटी भी बेहतर तरीके से बढ़ी, रोड कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस लिंकवे के द्वारा हमारा गोरखपुर भी जुटा, इसके आज मेरठ से लेकर के और प्रयागराज तक के लिए जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रही है, तो इन सब का एक सकारात्मक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और 2022 के चुनाव में फिर से कमल खिलेगा। सोच ईमानदार और काम दमदार के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है, तो उसमें राज्य की जनता से भी मेरा अपील है कि वो भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त और मजबूत दे करके और 2022 के भीतर वो कमल खिलाएंगे, यह मेरी ओर से आप सबसे निवेदन है। देखिए, अब वो कृषि कानून वापस हो चुका है और उसके बारे में समितियां भी बनी हुई हैं और ये प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि आगे आने वाले दिनों पर सभी पक्षों के साथ चर्चा करके तब उसके ऊपर फिर विचार किया जाएगा। लेकिन कृषि के क्षेत्र में सुधार आवश्यक है और इसलिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से वो सुधार के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिसके भीतर मिट्टी की जाँच से लेकर के और कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देते हुए साथ साथ में पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाते हुए ये उनको
लाभ पहुंचाए जाने का काम किया जा रहा है। राज्य के भीतर लगभग 1.5 दर्जन परियोजनाएं अपनी सरजू नहर, जो नहर योजना थी या मध्य गंगा नहर योजना है या बाण सागर परियोजना है या अर्जुन बांध परियोजना है, इन सारे परियोजनाएं जो बहुत समय से लंबित थी उनको पूरा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से, आदरणीय मोदी जी की सरकार की मदद से उसको पूरा करने का काम किया है। और लगभग राज्य के भीतर 20 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचन क्षमता बढ़ी है और उसी की वजह से राज्य का उत्पादन भी आज 619 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, जिसमें और पिछले सालों की समाजवादी पार्टी की तुलना में लगभग 80 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जो है वो खाद्यान्न का हमारा उत्पादन राज्य क्या बढ़ा है। नहीं, इसका जो है वो ये तो प्रधानमंत्री जी ने, अभी हमारा गणतंत्र दिवस आने वाला है, लोकतंत्र के भीतर जनता की आवाज़ और किसानों की आवाज़ सुनने के लिए उन्होंने इस बात को, स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि हम जो है वो उनके साथ बातचीत करेंगे और कुछ लोगों को हम उससे सहमत नहीं कर सके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि आम सहमति के आधार पर वो किया जाए और इस नाते उसके ऊपर चर्चा होगी आगे चल करके। जहाँ तक उपेंद्र शुक्ला जी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत सम्मान देने का काम किया है, वो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, उनको कौड़ीराम विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था, यहाँ से संसद का चुनाव लड़ाया गया। नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी ने हर समय उनको सम्मान दिया है और सारे लोगों का सम्मान करती है, समाज के सभी तबके का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, जिसमें हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं और पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं और दलित समाज के भी लोग हैं। यहाँ हमारे तो सांसद ही जो है यहाँ से, रविकिशन जी जो है वो उसी रविकिशन शुक्ला जी उसी समुदाय से आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को यदि उपेक्षा करना होता तो उनकी भी यहाँ से उपेक्षा हो सकती थी, सबका सम्मान किया है। हमारे